फ्लाइट के खाने में निकला कॉकरोच, एयर इंडिया ने माफी मांगने में भी लगाए दो दिन। भोपाल से 2 जनवरी को मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में एक पैसेंजर के खाने में कॉकरोच मिलने का मामला सामने आया है। इस संबंध में यात्री ने ट्वीट करके कंपनी को मामले की जानकारी दी तो एयर इंडिया ने माफी मांगने में भी 2 दिन लगा दिए। फिलहाल कंपनी ने मामले की जाँच कराने का आश्वासन दिया है। रोहित राज सिंह चौहान नाम के एक यात्री ने बीते शनिवार 2 फरवरी को ट्वीट किया कि वे एयर इंडिया की फ्लाइट से भोपाल से मुंबई जा रहे थे। फ्लाइट में उन्हें इडली सांभर परोसा गया जिसमें कॉकरोच निकला। उन्होंने मामले की जानकारी सबसे पहले क्रू मेंबर्स को दी। यह देखकर फ्लाइट में सवार अन्य मुसाफिर भी नाराज हो गए। वहीं कई लोगों ने खाना तक नहीं खाया। इसके बाद मनोज खांडेकर नामक यात्री ने ट्विटर पर खाने की तस्वीर पोस्ट कर दी और एयर इंडिया के ट्विटर हैंडल को टैग कर दिया। एयर इंडिया ने सोमवार 4 फरवरी को रोहित के ट्वीट का जवाब दिया और माफी मांगी। एयर इंडिया ने बयान जारी करके कहा, हम खेद व्यक्त करते हैं कि हमारे विमान में परोसे गए खाने से ग्राहक को परेशानी हुई। एयर इंडिया की हमेशा यही कोशिश रहती है कि ग्राहक हमारी सेवाओं का आनंद ले। एयरलाइंस ने आगे लिखा, हमने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए संबंधित कैटरर को नोटिस भेजा है। ऐसे मामलों में एयर इंडिया किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करता है। मामले की आतंरिक जांच शुरू कर दी गई है। हमारे वरिष्ठ अधिकारी यात्री के संपर्क में हैं।